हेलो दोस्तों, नमस्कार। केके ड्राइविंग स्कूल चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बुलेरो का जजमेंट दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों को हम बुलेरो का जजमेंट दिखाएंगे। चलिए देखिए दोस्तों, ये अपने पोजीशन पे गाड़ी खड़ी है। देख सकते हैं दोस्तों, ये रोड है हमारी, यहाँ से हो जाती है। देख सकते हैं आप, यहाँ से रोड है एकदम, यहाँ इधर ख़त्म है रोड, ये एकदम क्लियर रोड पर खड़ी है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे गाड़ी रोड पर रहेगी, कैसे नहीं, स्टेयरिंग कंट्रोल बताएँगे और जजमेंट भी बताएँगे। तो वीडियो पर पूरी बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों, और वीडियो पूरी ध्यान से देख लीजिएगा तो ज़रूर आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अंदर बैठ के आप लोगों को दिखा रहे हैं कि सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ऐसे गाड़ी खड़ी कर लेना है रोड पे, हमेशा जो न्यू ड्राइवर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बता रहे हैं। रोड पर गाड़ियाँ निकल रही हैं, आवाज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी दोस्तों, वॉइस थोड़ी नॉइज आ रही होगी। तो दोस्तों ऐसे सबसे पहले आपको गाड़ी खड़ी कर लेना है रोड पर, फिर अंदर बैठ के आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। चलिए गाड़ी के अंदर आ गए। ठीक है दोस्तों, अब ये गाड़ी खड़ी है और हम अपने फेस के पास जहाँ पे आँखें होती हैं वहाँ पे मोबाइल लेके जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कहाँ पे उसका पोजीशन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो होता है यहाँ पे आ रहा है, स्टेयरिंग से भी ऐसे एकदम सीधा आ रहा है। आप दोस्तों देख सकते हैं जजमेंट, ये एकदम रोड के ऐसा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो स्टेयरिंग का होता है दोस्तों, सीधा ऐसा आ रहा। तो दोस्तों सही से नहीं दिख रहा था, थोड़ा हमने इसको ब्राइटनेस को कम कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब हम अपने पोजीशन पे बैठे हैं, जहाँ पे हमारी आँखें हैं वहाँ पे हमने फ़ोन को रखा है। तो दोस्तों देख लीजिए आप, ये जो होता है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये स्टेयरिंग का जो ये पार्ट होता है, स्टेयरिंग सबसे पहले आपको सीधी रखना है ऐसे एकदम। ठीक है दोस्तों, और ये जो पॉइंट होता है दोस्तों, ये इस सीट रहना चाहिए। ठीक है, ये जो जजमेंट का है, देखिए वाइपर लगा है, ये बिंदी दोस्तों आप देख सकते हैं, दिखा रहे हैं जूम करके आपको, ये जो बिंदी होती है दोस्तों, ये इस सीध रखना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे एकदम सेम। तो ये पोजीशन हमारा होता है रोड का दोस्तों, देख लीजिए ऐसे, ये यहाँ पे किए तो देखिए बीच में आएगा, लेकिन जहाँ पे मेरा फेस रहेगा देखिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हम गाड़ी चलाएंगे दोस्तों, यहाँ से। चलिए हम पीछे से भी दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम पीछे की सीट पर आ गए। देखिए दोस्तों, ये ड्राइवर की सीट होती है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस पर ड्राइवर बैठ के गाड़ी चलाता है, तो यहाँ पर उसका फेस रहता है। आप अब यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं, जो कर्सर दिख रहा वाइपर का दोस्तों, जो बीच वाला पेज देखिए रोड के मेन यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे से दिखा रहे हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है, इसको दोस्तों इसके अंदर ही गाड़ी रखना है। ये वाला जो पॉइंट होता है पार्किंग का, इसके भी अंदर रखना, मतलब जो आधी गाड़ी है इसको अंदर ही रखना है। ठीक, चलिए दिखाते हैं चला के दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों कुछ स्टेयरिंग के बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिएगा, स्टेयरिंग आपको अंदर, जैसे आप बैठे हैं गाड़ी में तो आपको नहीं पता स्टेयरिंग किस साइड कटी है, किस साइड पहिए कटे हैं। सबसे पहले आपको कैसे स्टेयरिंग सीधी करना है, तो चलिए दोस्तों आपको दिखा रहे हैं। ठीक दोस्तों, ये हमने गाड़ी स्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए इसके कितने राउंड घूमेंगे, एक, दो, ढाई। ठीक है दोस्तों, यानी इतने राउंड घूमेंगे। अब हमको कैसे पता लगाना है कि स्टेयरिंग सीधी है या नहीं, दोस्तों इसको फुल काट दिए, देखते हैं दोस्तों, फुल काट दिए। अब एक, दो, तीन, चार टोटल लगे, ये यहाँ पे लॉक हो गया। सबसे पहले इसको यहाँ पे लाना है, फिर दोस्तों इसको यहाँ पे लाना है। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते होंगे कि पहिए एकदम दोस्तों सीधे हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, अब इसको देखिए फुल काटना, ये यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, एक, दो, दो में कुछ कम रह जाता है। तो सबसे पहले आपको फुल स्टेयरिंग ऐसे काट लेना है। अब देखिए आपके पहिए दोस्तों एकदम दोस्तों फुल कटे हुए हैं। ठीक है, देख सकते हैं फुल कटे। अब इसको कैसे सीधे करना, ये यहाँ तक आ जाता है। ठीक, और कर्सर यहाँ पे रहता है इस सीट। ठीक है दोस्तों, ये जो है यहाँ पर रहता है इस जगह पर। तो दोस्तों इसको सबसे पहले यहाँ पर एक बार लाना है। तो दोस्तों देखिए ये यहाँ पर है, फुल स्टेयरिंग काट लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, एक यहाँ लें, फिर इसको यहीं लें। अब आप गाड़ी चला सकते हैं, आप बाहर देख सकते हैं एकदम पहिए दोस्तों एकदम सीधे होंगे। यहाँ पे लें यानी दो चक्कर में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों एकदम सीधे हो गए। ठीक है दोस्तों, गाड़ी बंद कर दिया, चलिए फिर से चला के दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप लोगों को मेन बात एक और बताया दे रहे हैं दोस्तों, कि इसको मतलब कैसे कंट्रोल करना है। आप हर गाड़ी का दोस्तों अलग अलग सिस्टम होता है, जैसे कुछ लोग वीडियो बनाते हैं दोस्तों तो बताते हैं कि इसको एक चक्कर इधर घुमाओ, आधा चक्कर फिर इधर घुमाओ, डेढ़ चक्कर में दोस्तों फुल राइड, मतलब पहिए कर जाते हैं, घूम जाते हैं फुल, लेकिन फुल घूम जाते हैं, लेकिन ये बोलेरो इसमें दो चक्कर में घूमते हैं। दो चक्कर में इतना थोड़ा सा कम रह जाता है, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर
मतलब दो चक्कर से कम में घूमता है, किसी किसी गाड़ी में दो चक्कर घूमता है, किसी किसी चक्कर में ढाई चक्कर घूमता है, ठीक है, किसी किसी में डेढ़ चक्कर घूमता है। जो बहुत मतलब VIP कार होती हैं, स्पोर्ट कार, उनमें एक चक्कर ही घुमा दो पूरे टायर कट जाते हैं साएं से, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अपने हिसाब से जो जिस गाड़ी को आप चला रहे हैं उसकी पहले फुल स्टेयरिंग काट लीजिए। फुल स्टेयरिंग काटने के बाद दोस्तों आप देख लीजिए कितने चक्कर में उसका पहिया सीधा हो रहा, ये आपको दोस्तों जरूर करना चाहिए और ये सीखना चाहिए कि कितने चक्कर में। तो जैसे गाड़ी में अब हम बैठे हैं तो हमें स्टेयरिंग सीधा करना है, जैसे अब इतनी स्टेयरिंग घूमी है दोस्तों, ये कर्सर देखिए यहाँ पे भी आ गया, ठीक है, आप उस टाइप पहिया मुड़ गए हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमें नहीं पता है कि किस साइड पहिया घूमे, देखिए उस साइड पहिया मुड़े होंगे, बाहर से आपको दिखा रहे हैं ये पहिया मुड़े हैं। अब हमने क्या किया दोस्तों, क्लच दबाया और गियर लगाया, चला दिया तो गाड़ी उस साइड जाएगी, तो समझ लो धोखा हो सकता है, लेकिन उसके पहले आपको सीधा कर लेना है फुल काट के, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चला के दिखा रहे हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आपको अब हम दिखाते हैं कि गाड़ी रोड पे कैसे रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए ये जो पॉइंट होता है, उंगली रखिए भैया थोड़ा, ये जो पॉइंट होता है दोस्तों ये देखिए यहाँ से हम चला रहे हैं, ठीक है, जैसे ड्राइवर की जहाँ पे निगाहें होती वहाँ से, अब देख सकते हैं आप इसके अंदर आपको रहना है, ठीक है दोस्तों। ये मान के चलो पहिया एकदम किनारे खड़ा, तो इसके अंदर ही रहना चाहिए तभी मान के चलो गाड़ी आपकी चलेगी। तो चलिए हम गाड़ी बढ़ाने लगे, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये गाड़ी चलने लगी, देख सकते हैं, और ये रोड पर ही रहेगी, ठीक है, हटा लो। देखिए ये जो बीच का होता है वाइपर का, ये दोस्तों गाड़ी आपकी नीचे नहीं जाएगी, ठीक है दोस्तों, बस ये रहना चाहिए बीच में, देख सकते हैं आप ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये वाला गाड़ी आपकी नीचे नहीं जाएगी, बीच पे ही रहेगी, ठीक है दोस्तों। मतलब आप देख सकते हैं अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो, ये बुलेरो का है, हर गाड़ी का दोस्तों अलग अलग होता है कौन सा उसका मेन पॉइंट है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, हम गाड़ी अभी रोक के भी दिखा देंगे। देखिए ये हमारा रोड पर है, चलिए ये हमारा यहाँ पर रोक दिए, ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा होता है ये यहाँ पे गाड़ी रोक दिए, बीच वाले शीशे देख के पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही तो हमने ये गाड़ी रोक दिया, ये देख सकते हैं ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ये वाला। अब आपको हम बाहर जाके दिखा रहे हैं, हमारी गाड़ी रोड पे ही रहेगी, ठीक है दोस्तों, हमारी गाड़ी रोड पर ही रहेगी, ठीक, दिखा रहे हैं आपको, गाड़ी से उतरे दोस्तों और देख सकते हैं हमारी गाड़ी रोड से इतना अंदर है, देख सकते हैं। तो वो वाला जो हमारा वाइपर का ये वाला मेन पॉइंट होता है दोस्तों, ये वाला यहाँ का, तो इसको ध्यान में दोस्तों रखना है, बस आपको आपकी गाड़ी खाले नहीं जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं ये वाला दोस्तों जो होता है, इसको इसी रोड पे रखना है, आगे भी आप टेप लगा सकते हैं या किसी तरीके से बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों फिर हम गाड़ी बाइक किए ले रहे हैं, शीशे में देख के देखिए उस साइड का शीशा, ऐटो, ये ऐटो आ रहा, ठीक है दोस्तों, चलिए हम बाइक ले रहे हैं गाड़ी, और इस शीशे में भी देखना है पीछे कुछ है या नहीं है, ठीक है दोस्तों, इस शीशे में भी देखना है और उस शीशे में भी देखना है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए शीशे में कुछ नहीं है तो बाइक कर रहे हैं, पीछे भी देखना है कुछ नहीं है इस वाले शीशे में और उस वाले शीशे में, ठीक है, ये हमारी गाड़ी बाइक हो गई, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम इस साइड काटे ले रहे हैं, ठीक, ये फुल काट लिया हमने, ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ये फर्स्ट गियर लगाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, चलिए एक बार में ही कट जाएगी, तो रास्ते पे बाइक आ रही है, ये मेन पॉइंट दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है, ये गाड़ी नीचे नहीं जाएगी, बस इस पे आपको ध्यान रखना है अगर आपकी गाड़ी, तो आगे दोस्तों वीडियो में बना देंगे फुल, ठीक है, किसी ना किसी गाड़ी में कहीं ना कहीं कुछ होता है जिसको आप मान के, ठीक है, या तो किसी किसी गाड़ी में भगवान की मूर्ति भी रखी होती है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी खाली नहीं जाएगी, ये जो हमारा वाइपर का है ये देखिए रोड के अंदर चल रहा, तो हमारी गाड़ी खाले नहीं जाएगी। अगर आपको एकदम साइड में किनारे लगाना है दोस्तों एकदम बिल्कुल, कि गाड़ी रोड के नीचे भी ना जाए बरसात में और गाड़ी ऊपर भी रहे किनारे भी हो जाए, तो दोस्तों देख सकते हैं इस पॉइंट को हम यहाँ पे दोस्तों ला के यहाँ पे रोक सकते हैं। अब मेरी गाड़ी खाली खाले भी नहीं है दोस्तों, और रोड के ऊपर भी है और नीचे भी नहीं जाएगी। ये वाला जो पॉइंट होता है दोस्तों, ये वाला मेन ध्यान रखना, जो बिंदी लगी होती है दोस्तों ये वाली, यही मेन है, ठीक है दोस्तों। फिर हम गाड़ी चला दिए, फिर चलने लगी, तो रोड पर दोस्तों कैसे ओवरटेक करना है, यही वाला पॉइंट दोस्तों देखिए, ये साइकिल को बाबा को ओवरटेक कर गई बिना इनको टच किए, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को ये बताना है कि दोस्तों आप लोग एक वीडियो में जो चाहो कि हम ड्राइवर बेस्ट ड्राइवर बन जाएं, तो बेस्ट ड्राइवर आप नहीं बन पाएंगे दोस्तों एक वीडियो में। वो दोस्तों बताने लगते हैं यूट्यूब पे कि 5 मिनट में आइए गाड़ी पूरी सीखिए, 5 मिनट जजमेंट जानिए। जजमेंट में दोस्तों सालों लग जाते हैं, बहुत दिन से दोस्तों गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तब आज हमें इतना अंदाज है। मैं जजमेंट के सहारे नहीं चलता, मैं अपने अंदाज से चलता हूँ कि मुझे इतने में मेरी गाड़ी निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी दोस्तों, तो ये अंदाज से चलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती इसलिए मैंने इसको छोटी रखा, ठीक है दोस्तों, फिर भी बहुत बड़ी हो गई। तो अगले वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी बता देंगे, गाँव में कैसे जजमेंट मैन रखे हैं सब बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों हर गाड़ी का जजमेंट अलग अलग रहता है, जैसे दोस्तों छोटी कार है उसका अलग रहता है, बुलेरो है अलग रहता है, ट्रक है अलग रहता है, हर गाड़ी का अलग अलग रहता है। तो दोस्तों ये जो हम दिखा रहे हैं इस टाइम दोस्तों ये गाड़ी बुलेरो का जजमेंट है, ठीक है, आप जान सकते हैं। तो दोस्तों हर गाड़ी का जजमेंट अलग अलग होता है, टाटा सुमो है दोस्तों तो इसका अलग है, वो बुलेरो का है, इसका जो मेन पॉइंट होता है दोस्तों ये वाला होता है, ठीक है दोस्तों, तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी सारे भाई मेरे कमेंट कर रहे थे कि जजमेंट की वीडियो बनाओ, दोस्तों मैंने रोड की सिर्फ जजमेंट वीडियो बनाई, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती, 20-25 मिनट की हो जाती, जो आप लोग इतनी लंबी देख भी नहीं पाते। तो दोस्तों सिर्फ रोड की अगली वीडियो पतली गलियों में गाँव में हम गाड़ी से ओवरटेक कैसे करें ऐसी वीडियो बना देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगली वीडियो हम बना देंगे, आप लोगों को अच्छे तरीके समझा देंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।